तुम अपने पितरों का उद्धार क्यों नहीं करवाते? हाँ भाई, उद्धार करवाओ अपने पितरों का। कैसे किया? दीपदान करना है वो। अभी बता फूक कहाँ लगी? कान मुझे सुनाई नहीं दे रहा। और भी कहीं गई होगी? झनझन झनझन कहाँ हो रहा महसूस कर? नीचे तक जा रही है। फिर पागल कहाँ है ये, जब इसने झनझन झनझन महसूस कर ली पूरे शरीर में? आया ना समझ में? तू पागल, तेरा घर पागल, ये कहाँ है पागल? देखिए तू पागल है? नहीं। कौन कह रहा है पागल? डॉक्टर? डॉक्टर का कुछ बिगड़ रहा है इसको पागल कहने में? इसका क्या बिगड़ रहा है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं। तेरे क्या बच्चे हैं? तीन लड़के। तीनों लड़के हैं? बड़े लड़के का जन्म किस सन का है? 2002। कौन से दिन हुआ था? दिसंबर। आप मत बोलो। हाँ, दिन कौन सा था? नहीं, टेंशन में होता है वो बात अलग है, पागल तो नहीं है ना। टेंशन अलग है, पागल अलग है, भूल जाते हैं वो भी बात अलग है, ठीक है। लेकिन भूलने को पागलपन थोड़ी ना कहते हैं। बताओ भाई, वो वहाँ डाल दो ना। एक शुरुआत हो दिए, निपटारा हो जाए 27 तारीख की डेट। वो हो गई, होगा निपटारा। वो डॉक्टर पागल, उसका बाप पागल, उसकी माँ पागल, कमीने की। तू पागल है? तो लड़के का नाम क्या पड़ेगा? राजेश्वर। और छोटे का? रितेश्वर। और उससे छोटे का? सोमेश्वर। सोमेश्वर क्या करता है? अभी पढ़ता नहीं है अभी। और बड़ा? 12 कर चुका है। और उससे बड़ा? 9th में जाने वाला। सबसे बड़ा 9th में? नहीं, 12th में। वो 12th में, दूसरे वाला 9th में। हां, 9th में। और छोटे वाला? छोटे वाला इनके चक्कर में स्कूल ही नहीं डाल पाया। अच्छा, वो सेकंड क्लास में हुआ? नहीं नहीं, अभी उसका वो होगा तब जाएगा। चक्कर में स्कूल ही नहीं डाल पाए उसको। अच्छा, ये बीमार रहती थी? हाँ। डॉक्टर ने कितने साल पागलपन की दवाई खिलाई? 6 साल। तू 2 दिन खा ले और तू पागल है नहीं तो तेरा क्या हाल होगा, मेरे को बताइए जरा। उसमें दवाई कौन कौन सी थी? नींद की दवाई थी कि नहीं? बिल्कुल, वो तो रहेगी जो है। फिर जब एल्प्राजोलम उसमें थी, ठीक है, सिनिजोफ्रेनिया बताया था सिनिजोफ्रेनिया। सिनिजोफ्रेनिया, अरे भाई, ये जो कौम है ना, ये देश को बर्बाद करने के लिए बनी है। मैं तेरे को आज बता दूं, इसकी जो ये डिग्री है ना MBBS, इसका मतलब ही कुछ और रखूंगा मैं, ऐसा रखूंगा कि मैं बता दूंगा दुनिया को। आगे ना, बार बार सभी को हाँ? मारूंगा बार बार सभी को, मारूंगा बार बार सभी को, सबको मारूंगा बार बार। आगे ना, ये तुझे पागल दिखाई दे रही है क्या? तू मेरे को बता, तू अपनी पत्नी को जानता है कि नहीं जानता है? जानता हूं। कोई बाहर का तत्व इसके शरीर में आ गया, ये पागल है? ये पागल होगी, इसको पागल घोषित कर दोगे? जब कहीं समाधान नहीं मिला तो क्या कारण, तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना? मेरे पास कौन सी बार आई है? ये आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन है? हाँ। 8 दिन तू यहीं रख और मैं बताऊँ ये कितनी पागल है, ठीक है? तू उस डॉक्टर को फिर क्या करेगा? मैं क्या करूँगा, तो अमेरिका निकल गया, अमेरिका तक पीछा कर वहीं जाके उसको बता के, ठीक है, गर्दन पकड़ के नीचे झुका के ये कहियो देखिए मेरी पत्नी रही, ये साले पागल नहीं है, सारे काम करती है, अमेरिका निकल गया। वो तो अमेरिका ठीक निकल गया, कितने पैसे लिए तेरे से आज तक? कोई हिसाब नहीं है। फिर आने जाने की टिकट दे दी तूने, उसके रहने की टिकट दे दी, खाने का तूने दे दिया, वो तो जाएगा अमेरिका, ठीक है, जाएगा, उसकी तो औकात बन गई ना अमेरिका जाने की तेरे कारण। तेरे जैसे कितने थे जिनकी पत्नियां पागल करार घोषित कर दी? नहीं, तू अगर ठीक है और तेरे को कोई पागलपन की दवाई दे दे, तू ना होगा तो भी पागल हो जाएगा। फिर आगे, क्या नाम है तेरा? नीता। तेरे भाई का क्या नाम है? शेखर। शेखर का ब्याह हो गया? हाँ। क्या बच्चे हैं उसके? 3। ये पागल है? बिल्कुल भी। बड़े बच्चे का क्या नाम है? उनके? हाँ। लड़की है, मुस्कान नाम है। मुस्कान। और उससे बीच की? तनु। और उससे छोटी? लड़का है। क्या नाम है? प्रिंस। मैं घर में न रहूं। तेरी माँ का क्या नाम है? खुश रहते हैं लोग। और पिता का? अब ढूंढ, अमरीका में ढूंढ, गर्दन गाड़ दे जमीन में, पैसा ले अपना उल्टा, बर्बाद कर गया कि नहीं कर गया, बोल हाँ के ना। बर्बाद तो बहुत 20 साल हो गए बर्बाद होते होते। तेरे पे कुछ कर्जा है कि नहीं? कर्जा तो बहुत है। कितना कर्जा है? करीब 10 लाख तक का होगा। डॉक्टरों को कितना दिया इसके नाम का? 2-2.5 लाख गया होगा। फिर 2.5 लाख तो उन्हीं का हो गया, ठीक है, और दिमाग खराब हुआ अलग, और इसको लेके घूमता रहा, कुछ कर्जा उसमें हो गया। बिल्कुल। फिर सारा तो डॉक्टरों ने कराया है, बाहर का कैसे? तू अपनी पत्नी को लेके जाएगा, तेरा दिमाग खराब रहेगा, डॉक्टर उसको पागल बताएगा सही सही को, हाँ? उसका कुछ जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। फिर अपना बौद्धिक प्रयोग नहीं करते, जांच नहीं करते। मैंने दोबारा दोबारा फोन दोबारा फूक मारी, कहाँ गई? नीचे तलवे तक गई। क्यों? दोष है इसको,
सारे में, इसको कोई डॉक्टर की बीमारी नहीं है। गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं, उनकी सारी विद्या झूठी है, सारी मशीनें झूठी है। आओ एक दिन में दूध का दूध पानी का पानी कर दूं, डूब के मर जाएंगे सारे यहाँ खड़े खड़े पे, धरती फटेगी और ये मरेंगे। आपका वीडियो में दवाइयां बंद करने के बाद ये और अपने होश में आई है कि नहीं आई है? बंद करने के बाद एक दिन ये घर से ही भाग गई जो है। ये तुझे लगा घर से नहीं भागी बंद करने के बाद? क्यों? क्योंकि जो प्रेत है ना अंदर वो इतना होशियार है, इतना होशियार है कुछ हद नहीं, उसको मेरे से ज्यादा चढ़न है। ये क्यों? वो चाहते हैं आप पैसा रोज खर्च करो और ये रोज सोए एकांत में। ये किसी की ना रोटी बनाए, ना किसी का हलवा बनाए, ना कुछ बनाए, ये सबके लिए बनाएंगे सिर्फ मुझे छोड़ के बस। हाँ तो जो अंदर है वो तुझसे ईर्ष्या करता है, तुझसे उसका ईर्ष्या भाव है। दर्द कहाँ होता है तुझे? ये जब जलन होता है इस समय और पूरे हमारे पेट में हो गया हाँ। वो सब ठीक हो जाएगा, तेल लगा यहाँ से, तेल भी और अरे अब सारा काम ऐसे बैठ नहीं पाते, दर्द होता है ना, वो सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ, इतनी नॉलेज है उसको, ये कह रहे हैं तू पागल है। ठीक ठाक आदमी को पागलपन की दवाइयाँ खिला देते हैं, आदमी बेहोशी रहता है, उठ ही नहीं पाता, उसका जीवन बर्बाद हो जाता, चार पाई पे चले। इनको भ्रम का अभिशाप लगेगा, ये कौम ही ऐसी है। अब रावण के सुसैन वैद्य ने शत्रु को जीवित किया, लक्ष्मण को बूटी देके, फिर ये वैद ऐसे हैं, ये जीवित क्या करेंगे, ये मार देंगे, इतने नोट भर के ले जाते हैं, आदमी कर्जे में दबके मर जाते हैं। 12-12% में पैसे लाके अपने बच्चों को बचाते हैं लोग, ये सोचते हैं बच गया, और ठीक नहीं होता कोई। देखो कौन है साथ में, कौन सी बार आई है।